हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिया भला द ऑप्टिमिस्ट। नाउ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जुलाई मंथ। टुडे इज़ द 1st जुलाई। आई एम शूटिंग दिस वीडियो, मे बी यूल गेट इट टुमारो मॉर्निंग बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:40 दिस टाइम, 11:40 PM। एंड दिस मंथ इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे मंथ, सो वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई प्रे टू यूनिवर्स to show us the right path, to give us guidance, क्या हमारी ज़िंदगी में आने वाला है इस महीने, क्या क्या ऐसी चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या वो ऐसी बातें हैं जो ईश्वर प्रभु यूनिवर्स क्रिएटर दाता गुरु जी हमें बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करके ओपन किया है, तो डेफिनेटली यू आर द चोजन वन। एज ऑलवेज कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, तो वो कारण है कि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है लाइफ को लेके, इस महीने में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि जब भी कोई नया महीना शुरू होता है ना, हमारे दिमाग में एक नई प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, एक कहीं पे छोटी सी एक किरण आ जाती है उम्मीद की कि क्या पता इस महीने कुछ ठीक हो जाए, वो रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं, वो फिनेंशियल कंडीशंस जो काफ़ी दिनों से ख़राब हैं, वो प्लानिंग्स जो शेप ही नहीं ले पा रही, कुछ ऐसे सपने जो अंदर दबे हैं हम किसी को नहीं बताते। ऐसा ही है ना आपके साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो चलिए बात करते हैं इस रीडिंग को लेके। आप देख रहे हैं सामने 3 पाइल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपको गर्मियाँ बहुत पसंद हैं, इफ़ यू लाइक समर वेदर, समर सीजन, तो ये एक पाइल है आपके लिए, समर्स। अगर आपको विंटर्स बहुत पसंद हैं, तो दिस पाइल इज़ फॉर द विंटर पीपल, दोज विल रियली अप्रिशिएट एंड लव एंड एन्जॉय विंटर वेदर, जो सर्दियों का मौसम बहुत इन्जॉय करते हैं। इफ़ यू लव रेनी सीजन, अगर आपको बारिश ये बहुत पसंद है, वो गीली गीली महक मिट्टी की अगर आपको बहुत पसंद है, तो ये पाइल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए जल्दी से आंखें बंद करिए और सोचिए आपको कौन सा वेदर, कौन सा सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है, गर्मी, सर्दी या बरसातें, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर आप समझ चुके हैं कि कौन सी पाइल आपके लिए है, समर्स, विंटर्स और रेनी सीजन, क्योंकि प्रभु ईश्वर आपकी एक अपनी सोल होती है, अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक एनर्जी सर्कल होता है बॉडी के अराउंड, एक आपकी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। अगर वो वाइब्रेशन से आप कनेक्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी पाइल मेरे लिए है। और आपको रीडिंग समझने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। व्हाई आई ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल, व्हाई? बिकॉज आई वांट यू पीपल टू कनेक्ट विद माय सोल। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी एनर्जी को समझ पाऊंगी, आप मेरी एनर्जी को समझ पाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी एनर्जी मीन्स मेरी सारी लाइफ की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करेगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा कनेक्शन हमारे स्ट्रांग बन पाए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 1st पाइल। दिस इज द पाइल इफ यू लव समर सीजन। बात करते हैं दिव्य संदेश ऑरेकल कार्ड्स की, बाद में बात करेंगे। एक बहुत ही अमेजिंग कुछ स्पेल लेकर आई हूँ आपके लिए कि प्रभु चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं आपको कौन सी चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए इस महीने, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, स्लोइंग डाउन एंड आइसोलेशन। क्या बात है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आप लोग, ऐसा है क्या? आइसोलेशन इन द सेंस कुछ ऐसी दबी बातें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अंदर ही अंदर घुटते रहना, परेशान होना, छोटी छोटी बातों को दिल में दबा के रखना, किसी से बहुत सारी उम्मीद होनी, उसने आपकी उम्मीद पूरी नहीं करी, तो आप अंदर ही अंदर अकेला फील करने लगे। ऐसा क्यों बाबू, वाई इज़ इट सो? अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपने दिमाग को प्लीज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्स करिए। इस टाइम रिलैक्स करने का महीना है, दिस मंथ इज़ टू रिलैक्स, टू रिलीज ऑल द नेगेटिव इमोशंस। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज सेइंग इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो बाबू, अगर ये नेगेटिविटी घर की है, तो घर में से हम बाहर फेंकेंगे नेगेटिविटी को। अगर ये नेगेटिविटी हमारे आसपास की है, तो उनको हटाएंगे अपनी लाइफ से। अगर ये नेगेटिविटी किसी की बातों की है, तो उनको फॉरगिव करेंगे। अगर ये आपके अंदर की है,
तो उसके ऊपर काम करेंगे। ये नेगेटिविटी सिर्फ एक नेगेटिविटी ये नहीं होती कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, कबाड़ा है, यू हैव टू जस्ट थ्रो इट आउट। नो, दिस माइट बी योर टॉक्सिक यू नो रिलेशनशिप्स, कुछ आपके ऐसे रिश्ते जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको दुखी कर रही हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी अपनी खुद की हैबिट्स, खुद के ऐसे गिल्ट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, जल्दी से बाहर फेंको। जुलाई मंथ इज़ टू प्रोग्रेस। ओके, गॉट दिस मैसेज? से थैंक्स टू यूनिवर्स। नाउ कम्स कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। क्या कह रहे हैं ईश्वर आपसे कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आए, एक कॉन्फिडेंस लेकर आए। बाबू, यू कैन डू मिरेकल्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? मिरर में देखो अपने आप को, आप में क्या कमी है? यू हैव एवरी पोटेंशियल, यू हैव लवली ऑसम पर्सनैलिटी। क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है आप में? सी द पिक्चर, यू आर मोर देन अ लायन, यू आर मोर देन अ टाइगर। आप किंग हो भाई, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सिर्फ विश्वास की कमी है। जल्दी से खड़े हो जाओ, सब कुछ प्लान करना शुरू कर दो ये महीने के अंदर। दिस मंथ इज़ रियली अ गुड मंथ फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गेट अप एंड प्लान अप योर लाइफ। अपने फ्यूचर को प्लान करने का बड़ा खूबसूरत सा महीना है। मैं नहीं कह रही, अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो 101% दिस मैसेज इज़ फॉर यू। आप मुझे 2-3 साल बाद बताओगे कि प्रिया मैम, हमने जब 2021 के जुलाई में वो रीडिंग की थी ना, आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सो बाबू, दिस मैसेज इज़ फॉर यू। बिलीव मी, आई एम वरिड फॉर यू। बिल्कुल नहीं परेशान होना, अपने आप को बिल्कुल किसी से कम नहीं समझना। यूनिवर्स लेकर आए हैं ये मैसेज, जल्दी से थैंक यू करो ईश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करो। द नेक्स्ट मैसेज इज टाइम टू ब्रीद आउट। अब ब्रीद आउट क्या करना है? योगा करनी है ना, दैट इज़ ओके। आई अंडरस्टैंड डायरेक्ट मीनिंग है कि योगा करो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। प्राणायाम करो, बहुत अच्छा है, लेकिन और क्या ब्रीद आउट करना है? कुछ ऐसे दिल की बातें, कुछ ऐसा गुस्सा जो दूसरों के लिए दबा रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर बहुत ज़्यादा घुटन दे रही हैं, उन सबको बाहर निकालो जुलाई के मंथ में। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रीद आउट। और टेक टाइम टू ब्रीद आउट का मतलब है अपने अंदर की सांसों को, अपनी आत्मा को, अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है, अपनी बॉडी की एनर्जी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्रेंथन योर एनर्जीज, योर वाइब्रेशंस। सी हाउ ब्यूटिफुली यू विल पास दिस मंथ। आप देखेंगे कि महीना बहुत अच्छे से निकलेगा। द नेक्स्ट मैसेज इज स्लोइंग डाउन। कुछ भी प्लान करने का सोच रहे हैं फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, अपने करियर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो टॉर्टोइज है, इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज अ विनर। दिस एनिमल इज़ ऑलवेज अ विनर। और आप देख रहे हैं स्टार्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। थोड़े से स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, बिलीव मी। बहुत खूबसूरती से आप इस महीने के अंदर जो भी प्लान करेंगे आगे बढ़ पाएंगे। पॉजिटिविटी दिखाओ, स्माइल दिखाओ, परेशान बिल्कुल नहीं होना, रोना बिल्कुल नहीं है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना, सिंपली स्माइल करना है। और इतने अच्छे जो मैसेजेस मिले हैं आपको, इतना अच्छा जो पाइल आपने सिलेक्ट किया है, समर सीजन, इसको थैंक यू करना है। और जो आइसोलेशन वाला कार्ड था, इतना अकेले आप नहीं हो लाइफ में, कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर रहेगा। बस अपनी अंदर की नेगेटिविटी को किल करो। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत परेशान हो, बहुत सेंसिटिव हो चुके हो। प्लीज़ हटाओ इन चीज़ों को। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। ऐसे रुक के रोने का थोड़ी ना है, इतना हार्ड हार्टेड थोड़ा ना रखना है अपने आप के लिए। जस्ट बी कम्फर्टेबल विद योर सोल। अपने आप के साथ फ्लेक्सिबल होना सीखें। ओके बाबू, नाउ कम्स दिव्य संदेश ऑरेकल का। थैंक यू सो मच, आप लोगों का 100 डेक्स बनकर आए थे परसों। 25 डेक्स ऑलरेडी मेरे बुक हो चुके हैं, आप लोगों का ऑर्डर आ चुका है, इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। नाउ द यूनिवर्स, ओके, आर्कएंजल शैमुएल, प्यार के देवता, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको कि फरिश्ते आपके आसपास हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि यू आर नॉट अलोन। अब बिल्कुल नहीं परेशान होना आज से। पर्पल कलर इज देयर इन दिस कार्ड, इट मींस आपको एनलाइटमेंट की जरूरत है, आपको इंट्यूशन स्ट्रांग करने की जरूरत है, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है। पर्पल कलर का कैंडल जरूर जलाओ, साथ में 5 शुक्रवार लगातार गुलाबी मोमबत्ती जरूर जलाएं। ब्लू पिंक कलर कैंडल आपको लाइट करना चाहिए फ्राइडेज को स्पेशली, बहुत अच्छा रहेगा आपके मेंटल पीस के लिए। एंड फरिश्ते, इट मींस एंजल्स आर ऑल अराउंड यू, दे विल नेवर लेट एनीथिंग रॉन्ग हैपन इन योर लाइफ। आप बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें, जस्ट फील देम अराउंड यू, फील देम नियर यू, क्लोज योर आईज, फील योर एंजल्स आर अराउंड यू, दे आर हगिंग यू, दे आर सेंडिंग यू लव, ब्लेसिंग्स। वॉट एल्स यू वॉन्ट इन लाइफ, क्या चाहिए और जिंदगी में? इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, जल्दी से खुश हो जाओ बस। ओके, एंड नाउ कम्स द ट्रम्प कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। इस रीडिंग का सबसे ब्यूटिफुल पार्ट, बहुत ही प्यारा स्पेल है जो आपको करना है। क्या करना है? ओके, मेक आउट योर ओन मनी बैग। आपको ईश्वर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, आपके
गुरु कहते हैं कि आपको इस मंथ एक मनी बैग बनाना है टू इनवाइट पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ एंड अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून. आपको करना क्या है, एक अपना छोटा सा पाउच लेना है, ग्रीन कलर का पाउच, छोटा सा कपड़ा के अंदर कर लो या ग्रीन कलर के पाउच कर लो. उसमें आपको बेसिल डालना है, थोड़ी सी तुलसी डालनी है, थोड़े से मिंट, आपको पुदीना डालना है, सिनेमन स्टिक्स डालनी है, 3 सिनेमन स्टिक्स, एंड योर पाउच इज रेडी. और उसमें थोड़े से कॉइन्स डालने हैं या कुछ करेंसी डालनी है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली, और उसको मंदिर में रख देना है और अगरबत्ती धूप बत्ती करनी है एंड पुट इट इन योर बैग, अपने पाउच में, अपने बैग में, अपने लैपटॉप के बैग में उसको डेली रखना है. जब जब उसको देखना है तो आपने उसको थैंक यू करना है और विजुलाइज करना है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मनी एनर्जी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है. और देखिए मुझे क्या मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे जुलाई के मंथ में. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. इफ यू आर रेजोनेटिंग योर सेल्फ विद दिस रीडिंग, डू मैसेज मी और जल्दी से मैसेज टाइप कर दो. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. अ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ये रीडिंग आप एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. लव यू ऑल. ओके, नाउ कम्स विंटर्स. विंटर्स वाले पाइल के लिए क्या मैसेज आया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. कुछ और देखने की जरूरत है क्या. सी, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू मैसेज कि आप अपने गोल के बहुत करीब हैं. आप अपने डेस्टिनेशन के, अपने ख्वाबों के, अपने ड्रीम्स के, अपने सपनों के बेहद करीब हैं. रुकिएगा मत, थकिएगा मत, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा. जस्ट गेट अप. उसी एनर्जी को दिखाओ जिस एनर्जी से वो सपना देखा था. गॉट इट. नेक्स्ट कार्ड इज प्रॉस्पर. ओ माई गॉड, सी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पाइल इट इज. विंटर सीजन, यू रॉक. अमेजिंग पाइल कहती है ये पाइल. ये यूनिवर्स, प्रभु, ईश्वर, गुरुजी, हर एंजल आपको, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. आगे आपके रास्ते में क्या आने वाला है, सक्सेस. आपकी किस्मत बदलने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, पैसा आने वाला है, शोहरत आने वाली है, नाम, पैसा, शोहरत, हेल्थ, एवरीथिंग इज कमिंग इन अबंडेंस. वाओ वाओ वाओ. Then comes, it's time to take action. अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं कि कैसे करूं, क्या ना करूं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या नई जॉब को लेना चाहिए, मुझे कंसीव करना चाहिए, इज द राइट टाइम फॉर बेबी, मुझे घर बदलना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन. जिंदगी में यही टाइम है, एक्शन ले लीजिए, स्टेप को उठा लीजिए. दूसरी बात करूँ, अंडरस्टैंडिंग का टाइम है और मोमेंट टू मोमेंट. ओशो कहते हैं मोमेंट टू मोमेंट, हर पल को इंजॉय करने का वक्त है, पेशेंस दिखाने का वक्त है. जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा. थोड़ी सी रुकावटें आ जाएंगी, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ जाएंगी लाइफ के अंदर. हर सिचुएशंस को समझने की ज़रूरत है. इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए ना विंटर सीजन के हमारी पाइल के लिए. टाइम टू टेक एक्शन. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. वेरी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. बाबू इतने प्यारे कार्ड्स हैं, इतने खूबसूरत मैसेज है. बस आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे हो गई पास्ट में, जल्दीबाजी के कारण, चीज़ों को ना बेहतर तरीके से समझने के कारण, कुछ ऐसी चीज़ें हमने लोगों की बातें बहुत मान ली, उन्होंने हमें गलत गाइड कर दिया, उन गलतियों के कारण जो भी आपने पिछला सफ़र किया है, दिस इज़ द टाइम टू से अ बिग नो टू दैट. उन एनर्जी से अपने कनेक्शन बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, कनेक्ट अपना डिस्कनेक्ट कर दीजिए. अंडरस्टैंडिंग करिए, लोगों को समझिए, सिचुएशंस को समझिए. कुछ भी प्लान कर रहे हैं नए बिजनेस के लिए, नए घर के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेलेक्ट करने के लिए, पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए, दिस इज़ अ टाइम टू शो अंडरस्टैंडिंग. अपने सूझबूझ से काम लेने का टाइम है. थोड़ा सा सोचने का समय है. डूज एंड डोंट्स को समझने का समय है. लोगों को परखने का समय है. मोमेंट टू मोमेंट कार्ड कहता है कि धीरे धीरे चलने का समय है, लेकिन रुकने का समय नहीं है. एक्शन लेने का समय है. अगर रुक जाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी. तो रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको आगे निकलने का समय. और अगर मैं देखूं दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, दिस इज सो वेरी ब्यूटिफुल पाइल. ओ माई गॉड, अ बिग थैंक यू टू यूनिवर्स. आप हर सुख और संपत्ति के लायक हैं. अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित ही कामयाबी प्राप्त होगी. बाबू आज तो ना, माय गॉड, इट्स इट्स अ जैकपॉट, यू नो, पाइल. कामयाबी प्राप्त होगी. कभी भी समझौता ना करें. अपने घर और ऑफिस के मेन गेट पर ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं. ऐसा करने से सौभाग्य और हमारी समृद्धि में वृद्धि होगी. आप अगर अपने घर के और बाहर अपने सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं ना बाबू, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छा आपके लिए उपाय रहेगा. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, चीज़ें बहुत जल्दी बदलती नजर आएंगी. बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहेगा एंड इट विल बी रिमेम्बरेबल फॉर यू.
Now comes the spell for you. Rainfall, right? Okay, rainfall. जब बारिश, oh God, this is, see, बारिशों के सीज़न जब आएगा हमारा, मे बी 15 डेज के बाद हमारी रेनफॉल का टाइम आएगा, हमारी बारिशों का टाइम आएगा. ऑन द फर्स्ट रेनी डे द स्प्रिंग सीजन प्लेस अ ग्रीन ग्लास बोल आउटसाइड एज अ वाटर कैचर, ब्रिंग इट इनसाइड एट द एंड ऑफ द डे एंड प्लेस इट ऑन योर अल्टर बिसाइड अ ग्रीन कैंडल. वाओ, क्या करना है आपको? बारिश आने वाली है, जब पहली बारिश होगी ना आपके घर में, आपके आसपास, आपको जब पहली बारिश नजर आएगी तो आपको एक ग्रीन कलर के बर्तन के अंदर पानी को कलेक्ट करना है बारिश का. बाबू, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ग्रीन कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है. कांच का बर्तन ले लीजिएगा, विजुलाइज करिएगा वो ग्रीन कलर का है और ऑटोमेटिकली ग्रीन प्रॉस्पेरिटी का आपकी जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाएगी. और आपको करना क्या है, उस पानी के अंदर आप उस पानी को अपने अंदर ले आइएगा, अपने घर में एक कैंडल जला दीजिएगा साथ में, कोई भी कलर की, जैसे मैंने जला रखी है कोई भी कैंडल, और अपने हाथ उस पानी के अंदर डाल लेंगे और विजुलाइज करेंगे कि उसके अंदर बहुत लाखों खरबों रुपए हैं. यू नो अबंडेंस इज देयर इन दैट वाटर एंड यूनिवर्स इज फ्लोइंग लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. यू हैव टू फील दैट वाटर एनर्जी एंड यू हैव टू थैंक्स यूनिवर्स. आपको उस पानी को महसूस करना है और उसके बाद अपने घर के अंदर स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना अपने घर में. वॉट अ ब्यूटिफुल पाइल इट इज. आई थिंक आई शुड से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू पीपल. अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी इज ऑन योर वे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ ऑन मी. जल्दी से टाइप कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, जल्दी से टाइप कर दीजिए. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग. लव यू ऑल. नाउ कम्स लास्ट पाइल. ये बात करते हैं रेनी सीजन. अगर आपको बारिशें बहुत पसंद हैं तो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? कम्युनिकेशन इज द की. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सरेंडर टू द डिवाइन. अमेजिंग मैसेजेस. बहुत ही खूबसूरत एक एक सिंक्रोनाइज होके मैसेजेस आए हैं. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पाइल. वाई? बिकॉज गॉड इज सेइंग कम्युनिकेशन इज द राइट की, इज द की फॉर सक्सेस, इज द की टू मूव अहेड. कम्युनिकेशन, बातें करना, अपने दिल की बात को खोलना, अपने दिल को खोल देना. बहुत आदत है ना आपकी कुछ भी बोलते चले जाना या बिल्कुल भी मत बोलना, कुछ ऐसा है ना बाबू? प्लीज़ अवॉइड, इस चीज़ को अवॉइड करें. कम्युनिकेशन राइट दिशा में करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम. कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप, अपने दिल की बात को दूसरों को समझाना, प्रभु को समझाना, ईश्वर को समझाना, एंजल्स को मैसेज देना, अपने गार्जियन एंजल्स को समझना, एंजल्स को समझाना, एक सही तरीके से, सही मायने से अपने दिल की बात औरों तक पहुँचानी. टू जस्ट टेल वॉट इज इनसाइड यू टू द अदर पीपल और द यू नो द अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और यू नो टू योर ओन सोल. अपने आप से भी सही तरीके से बात करना, अपनी सोल को सही तरीके से समझा पाना कि आपको जीवन में क्या चाहिए. गॉट इट? देन कम्स सरेंडर टू द डिवाइन. बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो छोटी छोटी बातें लेके, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो, बहुत ज़्यादा डर लगता है फ्यूचर को लेके, अपनों को लेके, रिश्तों को लेके. ऐसा क्यों है भाई? सरेंडर करो ना यूनिवर्स को. प्रभु है ना सबको देखने के लिए, हम क्यों देखेंगे सब कुछ? अगर हम ही सब कुछ देखेंगे तो प्रभु क्या देखेंगे? जल्दी से इस चीज़ों को आज ही कैंसिल किया, डिलीट करिए इस नेचर को अपनी. हर छोटी बात पे परेशान हो जाना, हर छोटी बात के ऊपर इतना स्ट्रेस ले लेना कि बीमार हो जाना. वाई इज़ इट सो? आई कैन फील द एनर्जीज. इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है बाबू. प्लीज़ इस चीज़ को डिलीट करिए, कैंसिल करिए, कट करिए और प्रभु को बोलिए, ईश्वर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट थिंक एनीथिंग, आई विल लीव एवरीथिंग इन योर हैंड एंड आई विल लीव हैप्पीली एंड हेल्दीली एंड जस्ट आई विल बी कम्प्लीटली रिलैक्सफुल. मैं बिल्कुल रिलैक्स होऊंगा या रहूंगी या रहूंगा, पीसफुल रहूंगा प्रभु, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और करता हूँ. देन कम्स God and universe is saying your dreams need a practical plan. July के month में आपको एक practical plan बनाना है अपने सपनों तक पहुँचने के लिए. Pen down your things. क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को avoid करना चाहिए, किन चीज़ों को रोकना चाहिए, किन किन लोगों के through मुझे help मिल सकती है, कौन है मेरे अपने जो मुझे समझेंगे, सब चीज़ों का ध्यान रखकर आपको एक complete plan बनाना है. Got it? अपनी dreams का, अपने सपनों का plan बनाना बेहद ज़रूरी है, otherwise थोड़े से struggles आ जाएंगे. तो बाबू उसको avoid करेंगे. जल्दी से अपने प्लान्स बनाइए, लिखिए मुझे क्या करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लेसन लीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी. नाउ कम्स द अदर मैसेजेस. वाओ, ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली मैसेज. माय फेवरेट कार्ड्स आर हियर. पेशेंस एंड करेज. हिम्मत दिखाइए. एक अकेले वीरान बंजर जमीन में कितना प्यारा फ्लावर है, साथ में एक और फ्लावर है. आपको कोई पार्टनर की याद आ रही है, कोई पार्टनर आपको चाहिए, कोई आपको
कोई लाइफ के अंदर कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ का प्लान कर रहे हैं, कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी, न्यू हाउस शिफ्टिंग, हाउस वार्मिंग पार्टी, एनी जॉब, एनी न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ, कुछ नया बिजनेस, कुछ नई होप प्लानिंग कर रहे हैं, हिम्मत से करिएगा, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बिलीव मी गाइस। पेशेंस, कितनी प्यारी पिक्चर आप देखिए, आई लव दिस कार्ड ऑफ माइन, वाओ व्हाट अ लवली कार्ड, पेशेंस। लेकिन पता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको पता है, लुक एट द स्माइल ऑन अ फेस, शी नोज दैट शी विल बी हैविंग अ ब्यूटिफुल गिफ्ट वेरी सून, यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है। तो आपके साथ भी ऐसे ही है बाबू, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, जल्दी से थैंक यू कर दो। और जब ये फुल मून आएगा या न्यू मून, अमावस्या और पूर्णिमा आएगी, ज़रूर एक दिया जलाइएगा अपने घर के बाहर, दिया जलाते वक्त कहेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विशेज, और आप 5 बारी ऐसा करिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट कम्स दिव्य संदेश ऑरेकल कार्ड्स, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है, भले ही अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, याद रखें ईश्वर आपके साथ हैं, प्रभु के स्नेह को पहचाने, दुखी होना छोड़ दें। बाबू अगर कोई भी आपके साथ कोई ऐसा एपिसोड हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो आपकी बहुत दिल दुख चुका है, सबको माफ़ करके आगे बढ़ो, ईश्वर कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। चींटियों को भुने हुए आटे में बुरा मिलाकर खिलाएं, बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी अगर आप कहते हैं कि आसपास चींटियां नहीं हैं, किसी पेड़ के पास जाके डालाइए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बिलीव मी गाइस आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी पायल रही है अब तक, कम्युनिकेशन हमें करना है अपना बेटर, उसके बाद हमें सरेंडर टू द डिवाइन, हमें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन अपनी हटानी है लाइफ से, प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी है अपने सपनों की, एक एक लिस्ट बनानी है क्या करना है मुझे, क्या अवॉइड करना है, क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। देन कम्स पेशेंस और करेज को हमें एक्सेप्टेंस देनी है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दबाजी कैसी, परेशानों के फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है, स्माइल करनी है हर वक्त, पॉजिटिव रहना है हर वक्त, हिम्मत दिखानी है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि करेज इज द कार्ड। तो प्रभु चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ बिग 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 रीजन बिहाइंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई लव यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। नाउ कम्स द ब्यूटिफुल स्पेल, क्या लिखा है प्रभु ने आपको, क्या करना है, ओके इट्स अ ब्लेसिंग बाथ, माई फेवरेट, ओ गॉड ब्यूटिफुल। आपको करना क्या, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। एक आपको छोटा सा क्रिस्टल लेना है, कोई भी क्रिस्टल आपके घर में है, क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, कोई भी क्रिस्टल आपके घर में। अगर आप कहते हो प्रिया मैम क्रिस्टल नहीं है, तो नमक होगा बाबू, समुद्री नमक, नमक भी नहीं है तो तुलसी के पत्ते, तुलसी भी नहीं है तो गंगा जल, गंगा जल भी नहीं है तो रोज़ वाटर, रोज़ वाटर इज गुलाब जल। इनको आप किसी भी एक चीज़ को पानी में डाल के 41 डेज तक नहाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस कितनी जल्दी आ गए हैं, कितनी जल्दी आपने सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया, और जुलाई मंथ में आप कितना आगे बढ़ पाए, आपने कैसे अपने सपनों को आगे सोचा मरने के लिए, आपने कैसे अपनी लिस्ट बनाई, आपने कैसे प्रभु को थैंक यू किया, आपने 5 फुल मून्स अमावस्या और पूर्णिमा आपने कैसे दिया जलाया, कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, सब चीज़ों को लिखेंगे, महसूस करेंगे, यूनिवर्स का थैंक यू करेंगे, प्रभु का हाथ जोड़ के शुक्रिया करेंगे, अपने पूर्वजों को थैंक्स करेंगे, हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। जुलाई मंथ इज वेरी 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 पावरफुल मंथ और आप देखिएगा आपकी चीज़ें कैसे पलटती हैं। ना पलटे तो ज़रूर मैसेज करिएगा, मेरी दुआएँ, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, जितना ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जल्दी से कर दीजिए जय माता दी, और प्रभु को लिख के आप जिनको भी बिलीव करते हैं, जिनकी एनर्जीज में बिलीव करते हैं, उनको थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी आऊँगी एक और वीडियो लेके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।